घमंडी, घमंडी को इंग्लिश में कहते हैं स्नॉब, घमंडी को इंग्लिश में कहेंगे स्नॉब। ये अगेन एक नाउन है फ्रेंड्स, जिसकी इंग्लिश मीनिंग हम अभी देखते हैं। अ पर्सन हु थिंक्स ही शी इज बेटर देन समबडी बिलोंग्स टू लोअर क्लास, वो आदमी जो ये सोचता है कि वो किसी से बेहतर है जो लोअर क्लास से बिलोंग करता है। लोअर क्लास से जो बिलोंग करता है वो थोड़ा सा घमंडी होता है, अपने आप को कुछ समझता है, तो उसे इंग्लिश में कहोगे स्नॉब। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि मीनिंग और भी क्लियर हो। इफ यू कॉल समवन अ स्नॉब, देखिए यहां पर मैंने डेफिनेशन लिया अगेन ताकि आपकी मीनिंग भी क्लियर हो और एग्जाम्पल का एग्जाम्पल भी हो जाए। अगर आप किसी को स्नॉब कहते हो, यू डिसअप्रूव ऑफ देम बिकॉज दे बिहेव एज इफ दे आर सुपीरियर टू अदर पीपल। यू डिसअप्रूव ऑफ देम, आप उससे डिसअप्रूव करते हो क्योंकि वो कैसा बिहेव करते हैं, जैसा कि वो दूसरे लोगों से ऊपर है, सुपीरियर है, इसलिए आप किसी को स्नॉब कहते हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज एन इंटेलेक्चुअल स्नॉब एज वी नो हर फ्रॉम चाइल्डहुड। अब देखिए इंटेलेक्चुअल की मीनिंग मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, मेरा एक वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने उसे नहीं वॉच किया है तो अभी जाकर वॉच करिए, आपकी मीनिंग और भी क्लियर होगी। वो एक बुद्धिमान स्नॉब है, स्नॉब का मतलब मैंने क्या बताया, क्या बताया, याद करो याद करो याद करो, याद आया, स्नॉब का मतलब होता है घमंडी। देखो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, स्नॉब का मतलब होता है घमंडी। शी इज एन इंटेलेक्चुअल स्नॉब, वो इंटेलेक्चुअल स्नॉब है। अब जिस जिसने इंटेलेक्चुअल का वीडियो देखा है वो याद करने की कोशिश कर रहा है इंटेलेक्चुअल की मीनिंग मैंने क्या बताई थी वहां पर, इंटेलेक्चुअल की मीनिंग मैंने बताई थी बुद्धिमान। शी इज एन इंटेलेक्चुअल स्नॉब, वो एक बुद्धिमान घमंडी है, एज वी नो हर फ्रॉम चाइल्डहुड, जैसा कि हम उसे बचपन से जानते हैं। तो फ्रेंड्स अपने वर्ड्स को आप रिवाइज करते रहो, आप रिवाइज करते रहोगे तो आपकी चीजें और भी क्लियर होगी, जैसा कि मेरे चैनल में मैं आपको ओल्ड वर्ड्स भी रिवाइज करवाता हूं जिसपे मैं वीडियो ऑलरेडी शूट करके अपलोड कर चुका हूं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल मैंने आपको रिवाइज करवाया है, ऐसे ही आप रिवाइज करो। और एग्जाम्पल जब मैं आपको बता रहा हूं तो उस वर्ड की मीनिंग आपके माइंड में होनी चाहिए, जैसा कि आपको अभी स्नॉब की मीनिंग नहीं याद आ रही थी, स्नॉब की मीनिंग आपको याद रखते हुए एग्जाम्पल्स देखने हैं, तब जाके आपकी कम्युनिकेशन इंप्रेसिव हो पाएगी, याद हो पाएगी। इमेजेस मैं यहां पर सिर्फ इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको वर्ड याद हो सके, डेट सेट इमेजेस यूज करने का मेरा और कोई पर्पज नहीं है, आपको वर्ड याद हो सके। इस बंदे को देखो ये अपना घमंड बता रहा है, यहां से आप इस याद कर सकते हो स्नॉब, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपसे मिलता हूं नए वीडियो में, नए वर्ड के साथ, नए माइंडसेट के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।